So student, we are going to discuss about the development and birth of the child. So अभी तक हमने क्या देखा था कि male germ cell female germ cell से fuse होती है और वो form करते बेटा zygote. Okay? It is representation of male germ cell and this is representation of female germ cell. जब ये दोनों fuse होते हैं तो ये form करते हैं बेटा zygote. ये फॉर्म करते हैं जायगोट. ये एक्चुअल में एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं बोथ सेल में, तो और ये एन और एन मिलकर टू एन एन ही डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज जायगोट. सो जायगोट में अब रिपीटेड सेल डिवीजन होता है. सो जायगोट एक सेल से दो सेल फॉर्म करता है, दो सेल से फोर सेल में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, एंड फोर सेल से एट सेल, ऐसे करते करते रिपीटेड सेल डिवीजन होता है और एक मल्टी सेल वाला एक राउंड कलर में राउंड शेप में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. हम इसी को बोलते हैं बेटा ब्लास्टोसिस्ट. ओके, हम इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. ओके, और ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है ओविडक्ट में. जब हमने देखा था कि जब एक सेल रिलीज होता है, सो रिलीज होने के ओवुलेशन पीरियड में वो और फर्टिलाइज हो जाता है, तो वो ट्रेवल करता है अलोंग विद ओविडक्ट. सो ओविडक्ट में ही ये सारी की सारी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन से लेकर ब्लास्टोसिस फॉर्म होते तक की सारी प्रोसेस बेटा ओविडक्ट में ही होती है. देन इट रीचेस टू द यूटेरस. ओके, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यूटेरस में रीच करता है. ओके, ये है यूटेरस का पार्ट, कुछ ऐसा होता है. ओके, सो यूटेरस में ड्यूरिंग द पीरियड एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है. एंडोमेट्रियम का मतलब एक ऐसी लेयर जो ब्लास्टोसिस को इम्प्लांट करेंगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एम्ब्रायो में. ओके, सो जब एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है, सो एंडोमेट्रियम क्या करेगा, इस ब्लास्टोसिस को इम्प्लांट कर देगा यहाँ पर. ठीक है, और फिर यहाँ से डेवलपमेंट ऑफ बेबी स्टार्ट होता है. ओके, और फिर यहां से एक वेन निकलती है, वेन या आर्टरी हम कैपिलरी बोलेंगे, जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी उसको प्रोवाइड कराता है. हम उसको बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड. क्या बोलते हैं उसको, एम्बिलिकल कॉर्ड. ओके, सो लेट डिस्कस फ्रॉम, और इसको प्लेसेंटा भी कहते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड को ही हम प्लेसेंटा भी कहते हैं. ओके, अब इसको डिस्कस करते बेटा फ्रॉम योर नोट्स व्हाट इज गिवन ओवर हियर. सो द डेवलपमेंट एंड बर्थ ऑफ द चाइल्ड. The zygote formed after fertilization. हम इस पीरियड की बात करें जब zygote का फॉर्मेशन होता है, ये वाले पीरियड की बात कर रहे हैं. ठीक है, इन द ओविडक्ट. देखो ये प्रोसेस ओविडक्ट में ही होती है. इट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक सेल डिविजन. देखो इसमें माइटोसिस टाइप का सेल डिविजन होगा, क्योंकि मियोसिस टाइप का सेल डिविजन तो सिर्फ जर्म सेल में होता है. अब तो यहाँ पर दोनों जर्म सेल फ्यूज होकर उन्होंने zygote का फॉर्मेशन कर लिया है. ओके, अब इसमें जो डेवलपमेंट होने के लिए जो सेल डिवीजन होगा बेटा वो होगा माइटोसिस. कौन सा डिवीजन, माइटोसिस. ओके, एंड एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड. और धीरे धीरे देखो यहां पर स्टेजेस नहीं दिया हुआ है, बट आई हैव एक्सप्लेन यू हियर. सो डिवीजन होगा टू सेल, फोर सेल, एट सेल, सिक्सटीन सेल, ऐसे करते ब्लास्टोसिस को फॉर्म करेगा. एंड देन ब्लास्टोसिस गेट इम्प्लांटेड इन टू द यूटेरस. ओके, और जब यूटेरस में, अब यूटेरस में इम्प्लांट कौन करेगा, तो यहां पर होता है बेटा इंडोमेट्रियम. इंडोमेट्रियम ये इसको इम्प्लांट करेगा किसको, ब्लास्टोसिस को, और फिर उसमें डेवलपमेंट होगा और हम उसी को कहते हैं अब एम्ब्रायो. ओके, मीनवाइल इट इज पुश्ड टूवर्ड द यूटेरस. अब देखो क्या हो रहा है, जब वो एम्ब्रायो यानी ब्लास्टोसिस फॉर्म होता है तो वो धीरे धीरे पुश होता है टूवर्ड द यूटेरस. Once it reaches the uterus, it is implanted. देखो अब वो implant होगा and further development occurs after implantation. So पहले implant होगा and then further development start होता है uterus में after implantation. An organ called placenta. देखो placenta एक ऐसा organ है जो food, nutrients, oxygen, whatever required for the development of baby is supplied through the placenta. It is very important. Placenta. तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज्यादा पूछता है व्हाट इज प्लेसेंटा, तो आपको पता होना चाहिए प्लेसेंटा इज द ऑर्गन विच सप्लाइड न्यूट्रिशन टू द न्यू और द डेवलपिंग बेबी इन द यूटेरस. ओके, इट इज फॉर्म्ड ऑफ द
ओके ये कैसे क्यों फॉर्म हुआ है, टू सप्लाई ऑफ द फूड मटेरियल एंड ऑक्सीजन ऑल्सो ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इन यूटेरस। सो जब यूटेरस में चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है उस समय उसको सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्लेसेंटा के थ्रू सप्लाई होते हैं। ओके नेक्स्ट, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ, यहाँ पर दिया हुआ है ना 9 मंथ एंड 9 डेज होता है, एक्चुअल में जो टाइम देखा जाता है वो होता है अबाउट बेटा 9 मंथ एंड 9 डेज का। ओके After the fertilization, the fertilization होता है ना उसके बाद it takes about 9 months and 9 days to get complete developed of the baby. Okay? So यहाँ पर different stages में देखो उनका development stage दिया हुआ है, ये है 4 days, 8, ये है after implantation, जब blastocyst होगा तो वो round होगा बेटा, जब implant हो जाएगा उसके बाद में जो development stages ना वो दिया हुआ है, तो ये है बेटा 4 week का है, then 8 week, then 12 week में ऐसा दिखेगा बेबी, 16 week में ऐसा दिखेगा, 20 week में ऐसा दिखेगा, 24 week में ऐसा, 28 week में ऐसा, 32 week में and 36 week में वो completely develop हो जाता है and it becomes ready to take birth. Okay everyone? Any doubt here? Yes. Okay, what is your doubt बेटा? No sir. No, sir. So here we have completed the development of baby. Okay, so after 36 months, then baby becomes ready in order to take the birth. Okay, because जब बेबी का फुल डेवलपमेंट हो जाता है तो इट हैव टू टेक बर्थ बिकॉज अब उसको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। सो यू नो जब बर्थ हो जाता है बेबी का सो ये कहा जाता है कि उसने रोना चाहिए, पता है आपको ऐसा क्यों होता है कि why the baby have to be cry after the birth? Yes, we are going to answer. Blood circulation अच्छे से होता है उसमें, पूरे body में blood जाता है. No. Blood circulation. Yes, who is going to answer? जब baby fetus में रहता है. हाँ. जब baby fetus में रहता है तो मतलब जो उसके डेवलपिंग एक मिनट डेवलपिंग बेबी को ही फिटस बोलते हैं, वो जब होता है यूटेरस में। नहीं सर, जब मतलब वॉर्म में रहता है मदर के, हाँ हाँ, तो उसके जो ये रहते हैं मतलब लिक्विड वाले जो रहते हैं न्यूट्रिशंस उसको मतलब बॉडी से थोड़ा निकालने के लिए में भी लिक्विड न्यूट्रिशंस या मतलब जितने भी न्यूट्रिशंस उसमें डाइजेस्ट किया। नो 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 नो, कौन बताएगा? वेदांत, ओके लेट मी एक्सप्लेन यू। सो जब बेबी अपने मॉम के वूम में होता है, वो वूम बोलते हैं उसको, ठीक है, वूम यानी गर्भ, ओके, तो उस समय वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकता बेटा। सो रेस्पिरेशन नहीं कर सकता इसका मतलब उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉन फंक्शनिंग होता है दैट टाइम। सो जब वो बर्थ होता है तो उसने रोना चाहिए, रोने से उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ओके रोने के कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द बेबी स्टार्ट्स वर्किंग, दैट्स व्हाई आफ्टर बर्थ बेबी हैव टू क्राई। ओके आपने देखा होगा 3 Idiots मूवी में, अब वो बेबी रोता नहीं तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम ही नहीं करता तो वो कॉन्शियस हो जाता है और अबाउट टू डेट होता है, लेकिन जब वो उसको बोलता है ऑल इज वेल और वो किक करता है एंड देन ही स्टार्टेड क्राइंग, इज इट और नॉट? इज इट? यस सर। यस, सो रोने से उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई आफ्टर द बर्थ बेबी हैव टू क्राई। ओके सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडे सेशन। So if you are having any kind of doubt, you can ask the question now. It is question time.